वेलकम टू माई किंगडम, किंगडम ऑफ जीत 11, किंगडम ऑफ विनर्स। और आज हमारे हॉल ऑफ फेम में एक और स्टार परफॉर्मर ऑफ द मैच का नाम जुड़ चुका है। जी हाँ, आज हम जुड़ रहे हैं दीन दयाल जी से, जो कि एमपी से है। मुंबई वर्सेज हैदराबाद का जो मैच हुआ था उसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करके 1 लाख की धनराशि इन्होंने जो है बटोर ली है, इन्होंने अपने नाम की है और इनकी खुशी इनकी चेहरे से झलक रही है। तो दीन दयाल जी, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आपको धनराशि पाकर? बहुत खुशी हुई मुझे धनराशि पाकर, मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है सर। आपको बहुत आनंद की अनुभूति हुई? और सो मैं जानना चाहूंगा, जब आप पहली बार जब आपने देखा कि मैं पहले स्थान पे हूँ, पहले रैंक मेरी पहुंच चुकी है और मैं जीतने ही वाला हूँ और ये जो धनराशि है ये मेरे नाम होने ही वाली है, तो वो कैसा कैसा अनुभव था उस वक्त का? उस समय सर हृदय गति रुक रही थी मेरी सर, जैसे ही बोल्ट लास्ट ओवर कर रहे थे तो ओवर में 2 विकेट लेना थे तब मैं फर्स्ट रैंक का, जैसे ही बोल्ट में 2 विकेट तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फर्स्ट रैंक आ गया। जी जी, तो फिर मैंने दोबारा देखा, मैं ही फर्स्ट रैंक आया हूँ, कोई और बंदा आया है? दो तीन बार देखा तब मुझे नहीं, मैं ही फर्स्ट रैंक आया। नहीं सही, अच्छा अच्छा है। वैसे ही हम अगर मैच की हम बात करें तो मैच जो है वो काफी कम रनों का था, 100-150 के आसपास, 150 के रन के आसपास जो है वहां का टारगेट था। और मुंबई ने फिर जो है पहले खराब बॉलिंग कर रही थी, फिर बीच में उन्होंने बहुत खतरनाक बॉलिंग करना शुरू किया, तो इतना तो अंदाजा है कि हो सकता है कि आपको पहले ये भी ना ज्ञान हो कि मैं आगे आऊंगा, क्योंकि SRH जो है हैदराबाद जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी वहां पे, और अचानक से फिर मुंबई ने जब और अच्छा परफॉर्म किया, विकेट लेना शुरू किए, तब अचानक से आपके रैंक बढ़ी होगी। जी वो क्या है सर, पहले तो मुझे नहीं लग रहा था ऐसा, लेकिन जैसे ही बुमराह ने जो विकेट लिया था 19 ओवर में, उसके बाद तेलंगर साहब, तो फिर मुझे यकीन होने लगा कि अब मेरी जुगाड़ लगने वाली। तो कैसा उस माहौल, जैसे जैसे वहां पे आपका स्थान बढ़ रहा था वैसे वैसे धड़कन बढ़ रही थी दिल की? बहुत ज्यादा बढ़ रही थी सर। तो किस तरीके से, मतलब बताया आपने घर वालों को या फैमिली को, किस तरीके से आपने ये समाचार दिया फिर उसके बाद? इसी तरह दिया मैंने, जैसे ही बताया तो बहुत खुश हुए वो लोग। वो उनके भी दिल की धड़कन बढ़ी? पहले तो वो कहते थे ये क्या लगे रहते हो तुम, ये सारे दिन खेलते रहते हो, ये क्या है क्या है। जब मैंने ये बताया बोला यार ये तो बहुत कमाल कर दिया तुमने। तब आपको फॉलो करने लग गए और आपकी तरह भी वो शायद जीत 11 अब इस्तेमाल करते होंगे। तो ये कोई डिस्टर्ब नहीं करता, जब भी मैं टीम लगाता था तो मेरे सदस्य लोग डिस्टर्ब करते थे कि ये क्या करने लगे हो, काम वाम देखो। नहीं अब तुम चलने लगे। जी चलिए, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इन धनराशि का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, उपयोग करें और इसी तरीके से जीत 11 पे आप खेलते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि आप अब विजेता हैं और ऐसे विजेता हैं जिसको आप, हमारी पूरी आर्मी, हमारे पूरे जो यूजर्स हैं वो आपको देखने वाले हैं कि दीन दयाल ये हैं, ये करते हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि वो आपको देख के जो है वो इंस्पायर हो सके, आपको देख के थोड़ा सीख सके। आप अपने बारे में बताइए। सर मैं छोटी सी जॉब करता हूँ पंचायत में जी, पंचायत लेवल पर छोटी सी जॉब करता हूँ, बाकी और तो टाइम ही नहीं रहता और काम करने का। जी जी, आप पंचायत में मतलब एक एक आपका पद है, वो आप छोटा है बड़ा है जैसा भी है, लेकिन एक पद है, आप उससे सर्टिफाई आप काम करते हैं। और लेकिन सर मैं ये बोलना चाहता हूँ 2.5 घंटे में मैंने इतना कमा लिया कि 1 साल में नहीं कमा पाता हूँ इतनी जॉब। अरे अरे, बहुत 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 बड़ी बात कह गए आप, बहुत बहुत मुबारक हो। और आप भगवान से यही आशा है कि आप जो है और ऐसे कमाएं, जरूरी नहीं है कि आप साल भर में जो कमाएं, अब तक जो कमाएं, और ऐसी ही चीजें कमाएं, मेहनत से भी कमाएं, जीत 11 से भी कमाएं, और ऐसे ही आप कमाते रहें और बार बार कमाएं। तो मैं थोड़ा एक बार जीत 11 के बारे में जानना चाहूंगा, पहली बार आपने कब जो है इस्तेमाल करना शुरू किया था ये जीत 11? ये तकरीबन 1.5 साल हुई तब मैंने ज्वाइनिंग किया था। 1.5 साल मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप इससे खेलो, इससे पैसा कम लगता है, तो मैंने कहा हाँ सही है पैसा कम लगता है, इसके बाद रिटर्न भी होने की भी संभावना रहती है, अगर फर्स्ट रैंक ना लगे तो कम से कम हमारी लागत तो वापस हो जाती है। वापस हो जाती है, तो यानी आपको ये, आप ये कह रहे हैं कि बाकी जो एप्लीकेशन है, फैंटेसी ऐप है, उनके मुकाबले इसमें पैसा कम लगता है, दूसरा संभावना ज्यादा है कि कम से कम आपकी लागत से ज्यादा ही थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। लागत से ज्यादा तो मिलता ही है, इसके बाद इसमें लागत कम है, सबसे बड़ी सुविधा ये है। जी जी, मैंने पिछली बार भी कमाया था।
अच्छा मुंबई पिछली बार भी वर्सेस कमाया था। पिछली बार फाइनल था, उसमें भी मैंने पैसा कमाया था, अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। फर्स्ट रैंक लगती लगती बच गए थे सर। अच्छा पिछली बार फर्स्ट रैंक आते आते रह गया था। जी अच्छा, और तो यानी आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि आप कंसिस्टेंट है और हर बार जो है वो यूज करते आए और उसी एक अनुभव को इस्तेमाल किया है आपने इस बार। पिछली बार जो मेरा फर्स्ट रैंक लगा था तो मैंने सोच ही लिया था कि अगली बार तो फर्स्ट रैंक में जरूर लगाऊंगा, और इस बार भी स्टार्टिंग में ही मैंने सोचा था कि मैं फर्स्ट रैंक लगा के ही रहूंगा। वो नहीं नहीं बहुत 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 मुबारक हो, और बहुत ऐसी सोच होनी चाहिए कि हाँ जब तक जीतते नहीं तब तक छोड़ते नहीं, और इसीलिए हमारे एप्लीकेशन का नाम भी जीत है। एक प्रश्न पूछा था कि इसमें अच्छी चीज क्या लगती, तो इसमें अच्छी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी जो आप लोग बोनस देते हैं, ये बोनस भी बहुत अच्छी चीज है। थोड़ी सी ही रकम में आप लोग बोनस दे देते हैं, ऐसे अन्य एप्लीकेशन नहीं होता है। मतलब बोनस आपको अब तो सबको ज्यादा अच्छा लगता है कि अन्य एप्लीकेशन पे वो आपको नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, वो जितना राशि अपन डालते हैं उतनी ही राशि मिलती है, लेकिन इसमें बोनस मिल जाता है, इस बोनस से बहुत फायदा हो जाता है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, जैसे स्टार्टिंग में 137 पे ही हमें ऑल आउट कर दिया गया हैदराबाद को, आपको याद होगा 137 पे, और तो उस वक्त आपका कैप्टन कौन था? बोल्ट था, चहर था, क्योंकि बॉलर्स का बहुत योगदान रहा है उस मैच में। उसमें मेरा कैप्टन बोल्ट था, बोल्ट था जी, हमें लग रहा था क्योंकि तो वो बोल्ट ने कमाल कर दिया। जी, क्योंकि वो पूरा जो मैच था वो बॉलर्स के खाते में गया है, अगर देखा जाए अच्छे से तो बॉलर्स के खाते में गया, तो कैप्टन होना जो है वो बॉलर, हमें लग रहा था, उम्मीद थी कि जो आपका कैप्टन जो है वो, बताइए बताइए। मैं तो बोल्ट से मिलना चाहता हूँ, बोल्ट को धन्यवाद जरूर देना चाहता हूँ। अब चलिए, अगर बोल्ट ये कभी देखेंगे इंशाल्लाह तो वो देखेंगे कि दीनदयाल जी ने धन्यवाद कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और उनके उस परफॉर्मेंस की वजह से दीनदयाल जी का परफॉर्मेंस हमारे एप्लीकेशन पे नंबर वन आ गया, और जिसकी वजह से उन्हें 1 लाख की धनराशि जो है उनके नाम हुई। थोड़ा राय देना चाहेंगे जो हमारे बाकी यूजर हैं जो टीम बनाते हैं उनको, थोड़ा राय कि आप थोड़ा ऐसे टीम बनाओ ऐसे टीम बनाओ कुछ। हाँ, मैं थोड़ा राय देना चाहता हूँ। जैसे आप टीम बनाते हैं तो उसमें बॉलर्स को दोनों तरफ ले लें, अच्छा जी, जो बॉलर्स हैं उनको दोनों तरफ कैप्टन और वाइस कैप्टन ले लें, एक इस टाइम का बॉलर एक उस टीम का बॉलर। जैसे ओपनर है, एक इस टीम का ओपनर एक इस टीम का ओपनर, हालांकि दोनों ओपनर ही ले लें, लेकिन ज़्यादातर ऐसा करें कि एक इस टीम का ओपनर लें तो एक इस टीम का ओपनर, फिर वो उस टीम का ओपनर, फिर इस टीम का ओपनर। उसके बाद जैसे अपने बीच के खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आती, तो उनको अपन वाइस कैप्टन बनाए, बॉलर के साथ बॉलर को कैप्टन बना दें, उनको वाइस कैप्टन बना दें। उसके बाद आप अपना भी दिमाग लगा लें कि कौन सा खिलाड़ी कौन अच्छा सा जो आपका दिल कहता खेलेगा। है, जो दिमाग कहता है वो सुन लेगा। मैं जीत इलेवन को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसकी कृपा से मुझे ये सब कुछ मिला। धन्यवाद के लिए शब्द नहीं मुझे जीत इलेवन के लिए। जी, मैं और हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद एक्सेप्ट करती है, और हम आपके लिए बस यही गुड विशेज हैं, सभी उन यूजर्स के लिए, सभी उन विजेताओं के लिए यही गुड विशेज हैं कि वो इसी तरीके से जीतते रहें, खेलते रहें, बार हाँ, बार जीते, 11 बार जीते, बार बार जीते। मेहनत करने वालों के लिए मेरी भी शुभकामनाएं हैं, और जो दुआएं हैं कि वो अधिक से अधिक जीते, और अधिक आगे से अधिक बढ़े। जीत लेवन जूते। हाँ जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना हमें समय दिया, और इसी तरीके से आप जीतते रहें और हमारे साथ जुड़ते रहें।